أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم فرینڈس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس فعل ماضی بعید جاری ایگزامپلس مثالیں نمبر ون ہی ہیڈ بین suffering from fever for many days. He had been suffering from fever for many days. वो कई रोज से बुखार में मुब्तला था. Number two, his father had been working in the mine for 4 years. उसका बाप 4 बरस से कान में काम कर रहा था. Number three, they had been waiting for you since morning. वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे. Number four, I have been studying in this college for many years. मैं कई सालों से इस कॉलेज में पढ़ रहा था. Number five, he had been sending gifts to his children for 2 years. वो 2 साल से अपने बच्चों को तोहफे बेच रहा था. नंबर सिक्स, ही हैड नॉट बीन प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ फॉर 6 डेज. वो 6 रोज से हाजिर नहीं रहा था. नंबर सेवन, द मेसन्स हैड नॉट बीन बिल्डिंग्स This wall for many days. ममार कई रोज से ये दीवार नहीं बना रहे थे. Number eight, had he been wasting his time for 2 years. क्या वो 2 साल से अपना वक्त ज़ाया कर रहा था. तो गाइस अब चलते हैं हलायात की तरफ. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसी ऐसे काम को जाहिर करता है जो गुज़िश्ता ज़माने में किसी ख़ास वक्त से शुरू होकर तादम तख़रीर जारी हो. उस टेंस के फ़िक्रों का अंग्रेज़ी में तर्जमा करने के लिए दर्ज ज़ैल हदायात पर अमल कीजिए. नंबर वन, हर जगह के सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आयंदी वाली सूरत लगाइए. नंबर टू, सवाल या फिक्रे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हैड को सब्जेक्ट के पहले और प्रेजेंट पार्टिसिपल को सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करें और फिक्रे के आखिर में इस्तफहामिया अलामत लगाइए. आगे हैं नफ़ी के फिक्रे. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड और बीन के दरमियान नॉट लगाइए. तो गाइस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फेल माजी बाई जारी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया. तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.